शराब नहीं रोजगार दो के नारे के साथ ग्रामीणों का शराब ठेका खोलने का विरोध। रानी पोखरी स्थित शराब के ठेके को जोली ग्रांड क्षेत्र में आबादी क्षेत्र के पास स्थानांतरण के विरोध में आज भारी संख्या में स्थानीय महिलाओं और कांग्रेस भाजपा कार्यकर्ताओं ने ठेका खुलने के स्थान पर प्रदर्शन किया। नव भारत समाचार, दोवाला, उत्तराखंड से ज्योति यादव। नहीं खुलना चाहिए, हमारे आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए दिक्कत है। हमारे बच्चे हैं, कॉलेज से आते हैं, हम लोग आते हैं, सिंगल पेरेंट्स हैं, हमारे लिए बहुत बड़ी समस्या है। ना तो अभी खुलना चाहिए ना आने वाले समय में खुलना चाहिए। और जो है कि किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर यहाँ ठेका खुलता है क्या माहौल खराब होने का चांस है? बिल्कुल खुलने ही नहीं देंगे, रात रहेंगे, दिन रहेंगे, आंदोलन करेंगे जितना हो सकेगा। हमसे अपनी आहुति भी दे देंगे हम, लेकिन हम ठेका नहीं खोलने देंगे। आपके ठेकों को किसी भी हाल में यहाँ नहीं आने दिया जाएगा। मैं क्षेत्र के जनप्रतिनिधियों का, करतार भाई का, सभी सभासद भाई जितने हैं, हमारे आशीष भाई हैं, जितने सभासद हैं, सबका मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप सब एक साथ एकत्रित होकर आप लोग इस शराब के ठेके का विरोध कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी इस ठेके का आखिरी दम तक विरोध करेगी। थोड़ा बहुत सुगबुआट है, कहीं थोड़ा बहुत डर भी हमारे अंदर कि अगर सरकार या शासन चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं। ये हम भी जानते हैं राष्ट्रीय में अभी राष्ट्रीय कितने आंदोलन, बड़े बड़े आंदोलन हो रहे हैं, उसको किस तरह से दबाया जाता है। ये तो बहुत छोटा आंदोलन है, तो कहीं ना कहीं ग्रामीणों को थोड़ा डर है कि ऐसा ना हो कि यहाँ से हम हटे एकदम से और शराब माफिया यहाँ पे घुस जाए। तो इस वजह से माननीय निशंक जी से परसों बात हुई मेरी फ़ोन पे, उन्होंने आबकारी सचिव से भी बात की थी और यहाँ के जो हमारे जिलाधिकारी महोदय हैं उनसे भी, उनके संज्ञान में आ गया है मामला। और माननीय पूर्व मुख्यमंत्री, कल मैंने यहाँ से एक डेलीगेट भेजा था जो हमारे सभासद गए थे, मैंने कहा भाई इसमें ऐसा है, ये गांव का मामला है, इसमें कोई राजनीति नहीं, कोई पार्टी नहीं है, सारी पार्टी UKD BJP कांग्रेस जितने भी दल है सारे हमारे समर्थन में। तो मैंने कहा आप जाइए, गांव को बचाने के लिए आपको एक होना पड़ेगा। तो इसमें ये लोग तीन सभासद हमारे संदीप और प्रदीप नेगी और राजेश भट्ट जी ये गए थे। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री जी ने आश्वासन दिया, आपका सचिव से बात भी की और आश्वासन दिया कि बिल्कुल नहीं खुलेगा। मैं एक बार फिर आपके चैनल मीडिया के माध्यम से, प्रिंट मीडिया के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से आप सभी पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आज उत्तराखंड के अंदर दे दिया है और बहुत बड़ी बात है कि जिले में आज हमारी गूंज है विस्थापितों की, कि हमें सरकार से यही निवेदन है कि आप अगर आप रोजगार नहीं दे सकते हो, पानी नहीं दे सकते, कम से कम शराब न दें। हमारे युवा जो इस तरफ थोड़ा बहुत जो अभी हमारी खेती बची है यहाँ विस्थापितों की, तो ऐसा ना हो कि शराब में धीरे 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 वो खेती चली जाए। ऐसा है, जब ये हमें पता लगा था कि यहाँ पे शराब का ठेका आ रहा है जो रानी पोखरी से शिफ्ट होकर यहाँ पे आ रहा है, उसका हमने शुरू के दिन विरोध किया था। जो यहाँ पे ये ओनर हैं जिनके नाम ठेका छूटा है, इन लोगों ने मुलाकात की थी कि हमें NOC चाहिए आपसे लिखित में, हमने बिल्कुल मना कर दिया था कि ये ठेका जहाँ पे खोला जा रहा है ये जगह उचित नहीं है। यहाँ पे एक तो हमारा नलकूप है जो पेयजल और सिंचाई का है, जो नहरें हमारी हैं वो इसकी बगल से जा रही हैं। महिलाओं को हमारे यहाँ पे रात को, अधिकतर महिलाएं हमारी खेतों में काम करती हैं, जिस कारण यहाँ पे महिलाओं का रात को पानी, सिंचाई जो है पेयजल के लिए, सिंचाई के लिए आना जाना पड़ता है। तो यहाँ पे अगर ठेका खुलेगा तो सारे लोग खड़े रहेंगे तो महिलाओं का आना जाना भारी हो जाएगा। सामने पुलिस चौकी है, चौक है, दूसरी बात ये एक्सीडेंटल जोन है, पेट्रोल पंप से लेकर भी अक्टूबर में इनका एक बार ठेका